नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आप सब मजे में होंगे मैं पारुल सेलर हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ विद्यार्थी मित्रों आज हम कक्षा पाँच में विषय हिंदी पाँच चार सोच अपनी अपनी का अभ्यास करेंगे विद्यार्थी मित्रों पाँच चार सोच अपनी अपनी एक चित्र पाठ है इस पाठ को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे बात बहुत ही मनभावक है तो चलो विद्यार्थी मित्रों हम सब यह चित्र को देखते हैं और उसे समझते हैं तो चलो विद्यार्थी मित्रों स्क्रीन पर आपको एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है यह दृश्य गांव का है देखो दूर पर्वत के पीछे से सूरज दादा निकल रहे हैं सुबह हो गई है सूरज निकलते ही पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं घोंसला यानी गुजराती में माड़ो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं आपको गिनना है कि कितने पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं गांव बहुत छोटा है इसमें थोड़े घर दिखाई दे रहे हैं। आपको गिनना है कि कितने घर दिखाई दे रहे हैं चलो हम गिनते हैं एक दो तीन चार और पाँच घर के पीछे मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के ऊपर क्या है मुझे तो तजा दिखाई दे रही है वैसे तो गांव में कई सारे पेड़ है लेकिन सबसे बड़ा पेड़ नारियली का है आप स्क्रीन पर देख सकते हो रास्ते में एक किसान जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसके हाथों में एक बड़ा सा डंडा है किसान के पीछे कौन दिखाई दे रहा है मुझे तो एक कुत्ता दिखाई दे रहा है देखो यह चरवाहा है चरवाहा यानी भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहे के हाथ में एक बड़ी लकड़ी दिखाई दे रही है भेड़ बकरियों को लेकर चारा चराने के लिए निकल पड़ा है विद्यार्थी मित्रों रास्ते के नजदीक आपको क्या दिखाई दे रहा है देखो ध्यान से देखो मुझे तो एक बगीचा दिखाई दे रहा है बगीचे में आपको कौन दिखाई दे रहा है बगीचे में दो लड़कियां और एक लड़का दिखाई दे रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हो बगीचे में रंग बेरंगी टित दिखाई दे रही है आप जैसे छोटे बच्चे बगीचे में रंग बेरंगी टलियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं आपको टितलिया पसंद है टितिया यानी टिटली ने गुजराती मतंगियों कहवाई विद्यार्थी मित्रों सुबह का सूर्य पर्वत पशु पक्षी घर मंदिर पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा मनभावन लगता है दृश्य में सुबह होते ही सब अपने अपने काम के लिए निकल पड़े हैं। हम चित्र में देख सकते हैं कि सुबह होते ही सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं विद्यार्थी मित्रों आशा करती हूँ कि आपको यह चित्रपात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा विद्यार्थी मित्रों यह चित्रपात को आप दो तीन बार देखेंगे समझेंगे इसके बाद आपको प्रश्न के उत्तर तैयार करने होंगे फिर मिलेंगे धन्यवाद